हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। टुडे आई विल स्टडी अबाउट सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 18th चैप्टर। इसका नाम क्या है? तो व्रण आलेप बंधन विधि अध्याय। इसमें जो है व्रण का लिए जो आलेपन किस किस टाइप के होते हैं और बंधन किस किस टाइप के होते हैं और बंधन में किस किस टाइप का जो स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो किया जाता है, वो सारे जो है इस 18th चैप्टर के अंतर्गत बताए गए हैं। तो अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं व्रण आलेप बंध विधि अध्याय। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो आलेप है उसको क्या है, आद्य उपक्रम बताया गया है। यहाँ पे बोला गया है ना कि आलेप आद्य उपक्रम ऐसा सर्व शोफा नाम, सभी प्रकार के जो शोप है उसमें आलेप जो होता है वो आद्य उपक्रम होते हैं। तो यहाँ पर से क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे कि अपन लोगों ने लास्ट जो आपका चैप्टर था उसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि शोप के अंतर्गत चिकित्सा में अपन क्या करते हैं, विमलापन करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि जब व्रण शोप उपक्रम में प्रथम उपक्रम कौन सा है, यहाँ पे व्रण वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो वो उपक्रम होगा आपका विमलापन। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि सभी प्रकार के शोपों में सबसे प्रधानतम और आद्य उपक्रम कौन सा है, तो उस समय आपका आंसर जाएगा आलेप। लेकिन अगर व्रण को स्पेसिफिकली वहां पे आपका जो है हाईलाइट कर दिया गया है तो वहां पे आपको आंसर जाना है विमलापन। तो ये क्लियर हो गया कहाँ पे विमलापन आंसर जाएगा, कहाँ पे आलेप आंसर जाएगा, क्लियर। इसके बाद में लिखा गया है इसके बाद जो प्रधान होता है दैट इज बल। फिर उसके बाद में क्या लिखा है, ततो बंधा। उसके बाद में क्या है आपका, बंध प्रधान है। तो इन दोनों चीजें से क्या होता है, शुद्धि होता है, व्रण का रोपण होता है, अस्थि और संधियों में स्थिरता आती है। तो इन बंधों से जो है व्रण का शोधन रोपण तथा अस्थियों में जो है स्थिरता आती है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शुद्धि, व्रण रोपण, अस्थि, संधि, स्थिरता। अब जो स्थिरता है वो क्या है, बैंडेजिंग बांधेंगे तभी होगी ना। तो ये जो है आपका बंध है, ठीक है, जो मेरे लिए आपका सेकंड नंबर पे प्रधान बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे आद्य जो उपक्रम है वो आपका आलेप है सेकंड नंबर पे, दैट इज बंध। ये मेरे लिए आपके इंडिकेटेड किए गए हैं कि इसके लिए शुद्धि, व्रण रोपण, ठीक है, अस्थि, जो आपका संधि है उसमें स्थिरता के लिए। अब इसके बाद में आते हैं, जैसे कि आपको आलेप एक्सेट्रा करना है तो पुया वगैरह निकालना होता है और आलेप को लगाने की क्या कंडीशन होना चाहिए ये यहाँ पे बता रखा है, तत्र प्रतिलेपम। तो यहाँ पे लिखा गया है तत्र प्रतिलेपम न अनुलोमनम। तो हमेशा जो है अपन आलेप जब भी अप्लाई करेंगे तो प्रतिलोम दिशा में जो है आलेप अप्लाई किया जाएगा। रीजन भी, अगर आप जो है आलेप प्रतिलोम दिशा में अप्लाई करते हो तो जो रोम छिद्र हैं वो आपके खुल जाएंगे, तो औषध जो है वो इजिली रोम के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। इस वजह से आलेपन जो होता है वो हमेशा ही क्या है, प्रतिलोम दिशा में किया जाता है। लेकिन हमने पहले क्या पढ़ा था कि जो शस्त्र कर्म जो है वो अनुलोम दिशा में किया जाता है। शस्त्र कर्म अनुलोम दिशा में किया जाता है, मतलब जो है आपका जो लोम कूप है उसके डायरेक्शन में किया जाता है, क्योंकि शस्त्र कर्म ऐसा होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जो ब्लीडिंग है वो सबसे मिनिमम हो। तो अगर अपन कहे जब लोमों की दिशा में कहे तो अपन जो शस्त्र कर्म करते हैं तो अनुलोम दिशा में होती है, लोम की दिशा में करते हैं, ठीक है, तो जो ब्लीडिंग होता है वो मिनिमाइज होती है। तो शस्त्र कर्म के लिए ध्यान रखना कि अनुलोम दिशा में किया जाता है और आलेप जो है हमेशा प्रतिलोम दिशा में लगाया जाता है। इसके पीछे रीजन भी बताया गया है कि रोमकूप से जो सीरा लेकर के आती है, जो आपका स्वेद वगैरह लेकर के एक्सेट्रा, जो आपका सीरा लेकर के आती है उसमें जो औषध जो है वो अच्छे तरीके से प्रविष्ट हो जाती है, अर्थात अपने वीर्य को प्राप्त कर लेती है, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद में बता रखा है कि जब आप आलेप लगाएं तो उसे बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है, तो न च शुष्क माणम उपेक्षते, यानी कि बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है। सुखाना हमेशा उस कंडीशन में है जब हमें क्या है, पीड़न करना है। पीड़न इन द सेंस समझ लो कि जैसे कि कोई छोटा सा फुंसी है या छोटा सा स्कार है, तो उसमें से अपने को क्या है, पस को आउट करना है। तो अपन साइड में पीड़न द्रव्य लगा रहे हैं तो उसको दबा के आउट करेंगे, तो इसमें तो अपने को आलेप को, मतलब आलेप को सुखाना है। इसके अलावा जो बाकी कंडीशन है, जो बाकी और कंडीशन होंगे उसमें आपको आलेप को सुखाना नहीं है, क्योंकि शुष्क कर देने से जो आलेप होता है वो क्या है, निरर्थक हो जाता है, मतलब कोई भी उसका मीनिंग नहीं रहता है, क्योंकि साथ ही साथ में वो क्या है, वेदना करने वाला हो जाता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखिए कि आलेप के जो भेद हैं वो अष्टांग संग्रह ने 10 भेद बताए हैं, तो ये चीज़ भी आप जो है विमर्श से क्लियर कर लेना कि अष्टांग संग्रह जो है आपके 10 आलेप के भेद बताते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे एक और क्रॉस क्वेश्चन मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आद्य उपक्रम अब तर्पण भी होते हैं। अब यहाँ पे आलेप कहाँ पे चला गया, जब आपसे ये पूछा जाए कि निज व्रण की अवस्था में आद्य उपक्रम क्या होते हैं,
और निज व्रण किसमें होता है? तो प्रमेह पीड़िका एक्सेट्रा में होते हैं। तो निज व्रण की अवस्था में सबसे आद्य उपक्रम जो है, फर्स्ट उपक्रम कौन सा है? तो दैट इज अपतर्पण। लेकिन जब आगंतुक जब व्रण होंगे, ठीक है, जैसे कि बाहर से अगर कोई चोट लग जाए तो जो आपका व्रण उत्पन्न होता है, तो सबसे फर्स्ट जो उपक्रम होता है उस कंडीशन में, वो होता है आपका आलेप। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे भी आप जो है कंफ्यूजन क्रिएट मत करना कि अपतर्पण क्यों आ गया यहाँ पे, सबसे पहले आलेप था वहाँ पे, किस स्पेसिफिक कंडीशन में है, ये यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पेज की ओर अपन आते हैं। तो यहाँ पे आपके आलेप कितने प्रकार के बताए हैं? तो त्रिविधा। तो ये ध्यान रखना कि सुश्रुत ने तीन प्रकार के लेपों का वर्णन किया है, दैट इज प्रलेप, आलेप और प्रदेह। अब इसमें से एक एक को बड़े ध्यान से पढ़ना, बहुत कंफ्यूजिंग है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, इसको पढ़ते भी हैं, ठीक है, और वहाँ पे गलत करके भी आ जाते हैं, वहाँ पे मीनिंग नहीं समझ पाते, तो थोड़ा सा इसको ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा एनालिसिस करके पढ़ने वाली ये चीज़ें हैं। तो प्रलेप क्या है? प्रलेप जो है वो आपका शीत है, साथ ही साथ में क्या है? तनु है, और क्या है आपका? अविशोषी और विशोषी, दोनों टाइप का आपका होता है। तो ये आपका प्रलेप है जो शीत है, अविशोषी और विशोषी, ठीक है, दोनों टाइप का होता है तथा तनु होता है, तो बहुत एक्शन आपको इसमें देखने को मिलेगा। फिर आपका प्रदेह, तो ये समझो ये जो है दाह कारक होते हैं। तो प्रदेह जो होता है वो क्या है आपका? उष्ण होता है, शीतल भी हो सकता है, शीतो वा, तो उष्ण क्वालिटी सिर्फ इसी के अंतर्गत होती है, बाकी किसी में नहीं आता है। शीत भी हो सकता है, बहल और अबहुविशोषी च, इनके मध्य की जो अवस्था है वो क्या है आपका? आलेप। तो यहाँ पे अपन लोगों ने प्रलेप और प्रदेह दोनों को देख लिया, ठीक है, साथ ही साथ प्रलेप और प्रदेह की जो बीच की अवस्था होती है यानी कि मिडल की जो स्टेज होती है उसे आलेप कहते हैं, ये भी हमने देख लिया। और इसमें भी आपको पूछा जाए कि स्पेसिफिकली आपका उष्ण जो प्रकृति होता है या उष्ण क्राइटेरिया जो होता है वो किस में होता है, तो आपका प्रदेह में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन आते हैं। तो इसमें लिख रखा है कि रक्त पित्त का प्रसादन करने वाले होते हैं, वो है आपके आलेप। तो आलेप मिडल की जो स्टेज है उसके लिए क्या लिख दिया कि ये जो है रक्त पित्त का प्रसादन करने वाले होते हैं। इसमें क्या है? रक्त पित्त प्रसाद क्या है? आपका आलेप है। तो ये आलेप को आपको जो है गायब करके पूछ देंगे कि रक्त पित्त प्रसाद डैश जैसे करके, तो इसको आपको याद रखना है कि आलेप है। तो प्रदेह जो होता है वो थोड़ा सा आप याद रखो दह कारक होता है, उष्ण होता है, तो इस वजह से वात श्लेष्म का प्रशमन करने वाला होगा। तो इस वजह से देखो यहाँ पे लिख रखा है ना कि वात श्लेष्म का प्रशमन करने वाला होते हैं। साथ ही साथ में देखो संधान है, शोधन है, रोपण है, शोप और वेदना का हरण कर लेते हैं, और इसका जो उपयोग है वो शत और अशत दोनों प्रकार के व्रणों में किया जा सकता है। तो शत और अशत का मतलब शोथ युक्त और शोथ रहित, व्रण युक्त या व्रण रहित, इस प्रकार के दोनों व्रणों में जो प्रदेह है उसका यूज किया जाता है। तो आलेप और प्रदेह क्लियर हो गया। फिर शत की अवस्था में जब किसी भी कल्प का यूज किया जाता है तो उस आलेप को क्या कहते हैं? निरुद्ध आलेप संज्ञा दी जाती है। तो यह अलग से क्वेश्चन आता है कि शत की अवस्था में लगाया हुआ जो आपका लेप है उसे क्या बोला जाता है? दैट इज आलेप, मतलब निरुद्ध आलेप कहा जाता है। ठीक है, निरुद्ध आलेप कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये चीज को ध्यान रखना कि शत की अवस्था में जो कल्क लगाया जाता है उसे निरुद्ध आलेप कहते हैं। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कि रक्त पित्त की अवस्था में जो लगाया जाता है वो आपका क्या होता है? प्रलेप होता है। सॉरी, यहाँ पे आपका रक्त पित्त के अवस्था में समन करने हेतु जो आपका लगाया जाता है वो आपका आलेप होता है, और प्रदेह जो होता है वात की कफ के अवस्था में मेनली जो है लगाया जाता है तो दह कारक होता है, ऐसे करके आप इसे याद रखना। और जो है आपका यहाँ पे अपन लोगों ने देख लिया कि जो छत की अवस्था में जो कल्क लगाया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? निरुद्ध आलेप कहते हैं। तो ये तीन चीज यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट पेज में देखो अविदग्ध जो सोप होती है जिसमें दह नहीं होता तो उसमें भी आलेप लगाया जाता है। फिर आपका दह, कंडू, रुजा, इनको भी समन करने के लिए आलेप लगाया जाता है। तो त्वक प्रसादन के साथ साथ अग्नि, मांस, रक्त का प्रसादन, इन सब में भी आलेप लगाया जाता है। तो आलेप हम पहले से जान के आए हैं ना कि रक्त पित्त के स्टेज में दिया जाता है, तो स्पेशली शीतल जो है प्रसादन करना वो सब काम जो है आलेप का बता रखा है। और जो वात पित्त से रिलेटेड है, जो शोधन है, समन है, उसके लिए आपका जो आंसर जाएगा वो प्रदेह के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है प्रदेह और आलेप जो है वो क्लियर होता है। फिर यहाँ पे जो स्नेह की जो मात्रा है, इसके बाद में देखिए जो अविदग्ध सोप होती है जिसमें दह नहीं होता उसमें भी आलेप लगाया जाता है। ठीक है, फिर दह, कंडू, रुजा को भी समन करने के लिए आलेप लगाया जाता है। त्वक प्रसादन के साथ साथ अग्नि, मांस, रक्त का प्रसादन, इन सब में भी क्या है? आलेप लगाया जाता है।
आलेप को अपन पहले से जान के आए हैं कि ये रक्त पित्त के स्टेज में दिया जाता है ना। तो स्पेशली जो शीतल जो है प्रसादन करना, ये आलेप का काम बता रखा है। तो इन सब में अपना जो आंसर है वो आपका आलेप जाएगा। और जो वात कफ से रिलेटेड चीजें हैं, जो शोधन है संधान है, उसके लिए आपका आंसर जाएगा प्रदेह के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आलेप और प्रदेह क्लियर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो जो स्नेह की जो मात्रा है वो वात पित्त कफ के अनुसार बता रखी है सुश्रुत ने। तो अगर आपको वात के लिए बनाना है तो 1/4 भाग लेना है स्नेह का, पित्त के लिए अगर बनाना है तो 1/6 भाग लेने हैं, और कफ के लिए अगर बनाना है तो 1/8 भाग लेना है स्नेह का। तो सिंपल से चीज़ है, अगर वात जो है तो ज़्यादा रुक्षता होगी, इस वजह से ज़्यादा यानी कि 1/4 इसमें आएगा, तो कम स्नेह जो है वो आपका कफ में जाएगा, तो 1/8 जो है आपके कफ में आएगा। तो ये हो गया आपका प्रदेह, प्रलेप और आलेप के बारे में। तो ये जो है किस किस कंडीशन में क्या लगाया जाएगा ये बताया गया है। इसके बाद में देखो इसकी मोटाई बताई गई है। सुश्रुत बोलते हैं माहिष आद्र चर्म उत्सेद, मतलब जो भैंस की मोटी चमड़ी होती है उसके बराबर आपको आलेप लगाना चाहिए। जबकि चरक ने क्या बोल दिया, त्रिभाग अंगुष्ठ मात्रा। ये चरक क्या है, ये जो है चरक का आइडेंटिफिकेशन है कि अंगुष्ठ के तीसरे भाग के बराबर आपको आपको लगाना है आलेप या प्रलेप। तो दोनों की मोटाई में क्या अंतर है, आई थिंक ये यहाँ से क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट इसके बाद में कंडीशन देखिए कि आलेप को कभी भी रात्रि में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये जो है एक स्टैंडर्ड। तो नेक्स्ट कंडीशन देखिए कि जो आलेप है उसको कभी भी रात्रि में प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक जो स्टैंडर्ड कंडीशन है वो आचार्य सुश्रुत ने बताया है, उन्होंने ये बताया है कि क्यों नहीं लगाना चाहिए रात्रि में आलेप जो है उसको, कि जो रात्रि जो होती है वो स्वभाव से शीतल होती है, इस वजह से शरीर की जो उष्णता है वो बाहर आ ही नहीं पाएगी, वो इंटरनल ही रह जाएगी, वो बाहर आ ही नहीं पाएगी अगर आप ऊपर से आलेप लगा दोगे उसके। तो ये ध्यान रखना कि रात्रि में जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताया है आचार्य सुश्रुत ने आलेप को। और ये जो आपका लाइन आया है ना, भू शैत्यो पीहतो उष्मणास्त निर्गमाद विकार प्रवृत्ति रीति, तो ये जो लाइन है वो आपका आलेप के लिए बोला गया है। इसमें जो आलेप है वो निषेध बताया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है व्रण के जो बंधन है, तो इसमें कौन कौन से जो द्रव्य है वो मेनली यूज किए जाते हैं इसमें। तो द्रव्य देखिए, इसमें आपका शौम है, कर्पास है, कौशे है, पत्र है, ये सारी चीजें, अंतर्वलकर, रज्जु, ये सब क्या है आपके काम में ली जाती हैं इसमें, ये ध्यान रखना। तो स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह आदि धातुओं से भी व्रण बंधन बांधने के लिए बता रखा है, तो ये भी इसके द्रव्यों में इंक्लूडेड है। साथ ही साथ संतानिका, संतानिका का अर्थ होता है मलाई, तो मलाई को भी क्या है व्रण बंधन के द्रव्यों में इंक्लूड किया गया है, ये भी यहाँ से आप ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके नीचे जो है ना आपका कुशा किसकी बनानी चाहिए वो यहाँ पे बताया गया है। तो उसके कुशा के लिए मेनली लिखा हुआ है कि मधु, कुदम्बर, अश्वत्थ, पलाश, कुशुभ आदि से क्या है मेनली कुशाओं का निर्माण किया जाता है। तो जो कुशा बनाते हैं उसके लिए ये बता रखा है। तो क्रॉस रेफरेंस में ये ध्यान रख लेना कि कई बार क्वेश्चन ये आ जाए कि कुशा का जो निर्माण है वो किससे किया जाता है। तो ये जो वृक्ष है ना आपके, मधु, कुदम्बर, अश्वत्थ, पलाक्ष, ठीक है, इनसे मिलने जो है किया जाता है, ये चीज़ अपने को यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं कि बंधन कितने प्रकार के बताए गए हैं आचार्य सुश्रुत के द्वारा। तो यहाँ पे देखो चतुर्दश बंध विशेषा, तो विशेष रूप से जो बंध जो है वो आपके 14 प्रकार के बताए गए हैं। तो सुश्रुत ने बंधन कितने प्रकार के बता दिए, बंध 14, जबकि चरक ने जब आप देखोगे तो उन्होंने बंधन के दो ही प्रकार बताए हैं, एक आपका बताया है क्लॉकवाइज, एक है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त और वामवर्त। तो चरक के अनुसार बंधन के प्रकार दो हो गए, दक्षिणावर्त और वामवर्त, और सुश्रुत है उनके अनुसार है बंधन के प्रकार 14। और वांगभट्ट ने क्या बताया है, तो उन्होंने क्या किया है एक एक्स्ट्रा बंध बांध दिए है, और वो है आपका उत्संग बंध। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्संग नाम का बंधन किसने बताया है, तो वांगभट्ट ने बताया है। तो वांगभट्ट के अनुसार टोटल बंधन की संख्या कितनी हो गई, 15। तो 15 वांगभट्ट, 14 सुश्रुत और 2 चरक। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि कौन सा बैंडेज किसमें बांधा जाता है, उसको अपन यहाँ पे देखेंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि इसमें डायरेक्ट कोटेशन से आपका क्वेश्चन आता है। तो देखो कोष्ठ अंगुली परवशु विद्या, तो कोष को मतलब ऐसे समझ लो कि ये बैंडेज है। तो बैंडेज अपन कहाँ पे बांधते हैं, जो आपके पोर होते हैं, जैसे कि जो अंगुष्ठ और अंगुलियों के पोरों पे जो है बैंडेज बांधी जाती है, दैट इज कोष। ठीक है, फिर आगे लिखा है दाम संबंध अंगे, यानी कि संबंधित अंगों पे दाम बांधा जाता है।
तो दाम अपन संबंधित दाम लगाते हैं, ऐसे ध्यान रखना कि जो दाम है वो संबंधित अंगों पे लगाया जाता है, ठीक है। फिर अपन आगे आते हैं, तो फिर आता है स्वस्तिक। तो स्वस्तिक को अपन कैसे बनाते हैं ये आप देख सकते हो। तो आपका क्या है, जो स्वास्तिक एक प्रकार का क्रॉस बैंडेज है। तो क्रॉस बैंडेज कहाँ पे बांधा जाएगा, संधि में, कूर्च में, भ्रू में, स्तनों में और तल, यानी कि हाथ, जो हाथ पैर का जो तल वाला पार्ट होता है, ठीक है, वहाँ पे जो है मेनली आपका स्वास्तिक बंधन बांधा जाता है। तो क्रॉस बैंडेज कहाँ कहाँ पे बांधा जाता है, तो संधियों में, कूर्चक में, ठीक है, इन जगह पे मेनली जो है आपका क्रॉस जो बंधन है वो बांधा जाता है, मतलब स्वास्तिक बंधन बांधा जाता है, ठीक है। फिर आपका आता है अनुवेलित शाखेशु। तो अनुवेलित का मतलब होता है स्पाइरल बैंडेज। तो स्पाइरल बैंडेज यानी कि अनुवेलित जो है मेनली शाखाओं पे बांधा जाता है, मेनली जो आपके हाथ है, पैर है, इनके ऊपर बांधा जाता है। तो अनुवेलित जो है वो आपके शाखा के अंतर्गत आ गया। फिर आपका जो प्रतोली जो बांधा जाता है वो आपका ग्रीवा और मेड्र में बांधा जाता है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि अपन जो चीज़ें हैं उनको ग्राम में तोलते हैं, तो जी से आपका ग्रीवा और एम से आपका मेड्र। तो इसमें कौन सा बंधन बांधा जाता है, तो प्रतोली बंध, ठीक है। फिर सर्कुलर जो बैंडेज बांधी जाएगी वो मंडल ऑर्गन होंगे, जैसे कि सर्कुलर जो ऑर्गन होंगे मतलब वृत्त जो अंग होंगे उसमें मंडल बंध बांधा जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं अपन स्थगिका। स्थगिका जो बांधी जाती है जो आपका अंगुष्ठ और अंगुली के बिल्कुल आगे के पार्ट पे, जो अपन बोलते हैं ना कि छोटा सा कैप लाइक स्ट्रक्चर बना के जो बैंडेज बांधा जाता है, दैट इज नोन एज स्थगिका। तो स्थगिका को अपन जो है, या फिर इसको बोल सकते हैं स्टम्प बैंडेज, इससे कोरिलेट कर सकते हैं हम इसको। तो ये मिल्ली बांधी जाती है अंगुष्ठ और अंगुली के बिल्कुल आगे वाले पार्ट में, जबकि अंगुष्ठ और उंगली के पोर पे अपने क्या बांधा था, कोश बंधन, ठीक है। इसके बाद में डुअल है कोई चीज़, तो अपन डुअल बैंडेजिंग कर सकते हैं। तो यवल व्रण में यमक अपन जो बंधन जो है वो बांध सकते हैं। फिर इसके बाद में आपका बोला गया हनु संख गंडेशु खटवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो खटवा जो बंध है उसे फोर टेल बैंडेज जो बोला जाता है, तो इसको हनु और संख प्रदेश, साथ ही साथ में आपका गंड प्रदेश में मिली इसे बांधा जाता है, दैट इज खटवा। फिर आपका बोला गया है अपांगियो चीन, तो जो चीन है वो इंडिया के अपांग में है, ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हो। तो अपांग में जो है वो हमेशा चीन बैंडेज बांधी जाती है। तो अपांग क्या होता है, आंखों की संधि होती है, तो आई बैंडेज चीन, या आप ऐसे याद रख लो कि चीन की आंखें हमेशा भारत के ऊपर रहती है, तो इसको हमेशा ऐसे ध्यान रखना है कि अपांग में हमेशा चीन बंध बांधा जाता है, ठीक है। फिर जो आपका विबंध कहाँ पे होता है, तो पृष्ठ में होता है या उदर में होता है। तो जो विबंध बंधन है वो कहाँ पे बांधी जाएगी, तो पृष्ठ उदर व उरा प्रदेश में मिलने बांधी जाएगी, तो पृष्ठ उदर उरासु विबंधनम, ठीक है। फिर मूर्धनी वितानम, तो मूर्ध में, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि सिर के ऊपर जो बैंडेज बांधी जाएगी वो है आपका, दैट इज वितान। तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। फिर आपका चिबुक, जो ठोड़ी वाला जो स्ट्रक्चर है, नासा जो चिन्ह अपन जिसको बोल सकते हैं, नासा, ओष्ठ और बस्ती, इन पे जो बैंडेज बांधी जाती है उसे गोफणा बैंडेज कहते हैं। ये जो आपका गोफणा जो बैंडेज बांधा जाता है, एक प्रकार का स्लिंग बांधा जाता है ये। इन जगह पे अगर आप देखोगे तो इन जगह की जो इंजुरी होती है वो स्लिंग बैंडेज से ही ठीक हो सकती है। इसमें तरीका ही ये है कि आप उसमें स्लिंग ही बांधेंगे। स्लिंग जो बंधन है, यानी कि आपका गोफणा जो बंधन है, वो किस में बांधा जाता है, आपका चिम्बुक, नासा और ओष्ठ पे। अब ये जो गोफणा बंधन है उसके आगे चल करके आप देखोगे तो इसको सुश्रुत ने कई जगह बताया है। एक तो आपका शाखाओं के भग्न में इसका उल्लेख किया है कि अगर शाखाओं में अगर भग्न हो जाता है तो गोफणा बंध बांधना है। गुद भ्रंश में इसका उल्लेख किया है। मूत्र की वृद्धि हो जाती है तो वहाँ पे भी इसका जो है गोफणा जो बंध है उसका वर्णन किया है। तो ये जो एक्स्ट्रा हो जाता है उसको मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। आगे जब आप सुश्रुत पढ़ोगे तो उसमें कई जगह जो है स्पेसिफिक आपका गोफणा बंध मानने को बताया है, शाखा भ्रंश, गुद भ्रंश और आपका मूत्र वृद्धि में, ठीक है। फिर लिखते हैं कि जत्रु के ऊपर जो भी आपका बैंडेज बांधी जाती है, दैट इज पंचांगी। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अपर क्लेविकल जो रीजन है उसमें सब में आपका पंचांगी लगा दिया जाता है, ऐसे करके आप याद रखो। या फिर अपन ऐसा देखें कि अपने पांचों इंद्रिया एक जगह पे कहाँ पे है, तो आपके जत्रु के ऊर्ध में है, तो वहाँ पे आपका क्या है, पंचांगी बंध बांधा जाएगा, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। और सुश्रुत में आगे चल करके आप जब देखोगे तो हनु संधि का जो भग्न है उसमें भी उन्होंने क्या है, पंचांगी बंध का उल्लेख किया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रख लेना। तो इस तरीके से ये जो 14 प्रकार का जो बंध आचार्य सुश्रुत ने बताया है वो आपका फिनिश होता है। तो कोश में अपने को क्या बांधना है, अंगुष्ठ अंगुली के पर्व पे, दाम जो है वो संबंधित अंग पे, संधि कूर्च भ्रू और हाथ पैरों के तल पे स्वास्तिक बंध,
अनुवेलित जो है आपका शाखा में, ग्रीवा मेड्र में प्रतोलित, सर्कुलर ऑर्गन पे मंडल बंध है, अंगुष्ठ अंगुली में स्थगिक बंध करेंगे, व्रण हो जाता है तो यवल बांधेंगे, अनुसंखेशु खटवा, अपांग में चीन, विबंध पृष्ठ उदर और उरा, मूर्धा जो है वितान में बांधा जाता है, गोफणा जो है वो आपका चिम्बुक हो गया, ओष्ठ हो गया, इसमें बांध सकते हैं, और जत्रु के उर्ध प्रदेश में अपन पंचांगी जो बंधन है वो बांधते हैं। तो यहाँ पे आपका जो 14 टाइप के आपकी जो बैंडेजिंग थी वो यहाँ पे आपके क्लियर हो गई। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पेज को और अपन आते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका बोला गया है स्पाइरल बैंडेजिंग, तो जैसे मैंने अभी बताया ना कि अनुवेलित को स्पाइरल बोला जाता है, क्रॉस जो है वो आपका स्वास्थ्य को बताया जाता है बोला जाता है, ये भी अपन लोगों ने देखा। इसमें बस आप एक चीज़ ध्यान रखो, ये जो उत्संग बंध है जो किसने ऐड ऑन किया है, वांग भट्ट ने ऐड ऑन किया है, इसे क्या है आर्मस्लिंग जो है बोला जाता है, आर्मस्लिंग बोला जाता है, और ये जो है क्या एक प्रकार का दाम जो बंध है उसका टाइप होता है और बाहू में बांधा जाता है। तो ये जो है वांग भट्ट का भी अपन यहीं से याद रख लेते हैं कि उत्संग जो बंध है वो वांग भट्ट ने एक्स्ट्रा ऐड ऑन किया है। पहली चीज़ ये, इसको आर्म स्लिंग कहा जाता है और इसे मेनली बाहू प्रदेश पे बांधा जाता है। और क्या है लास्ट चीज, ये क्या है एक प्रकार के दाम बंध का ही प्रकार है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन आते हैं। तो यहाँ पे देखो यंत्रणा, यंत्रणा का मतलब होता है गांठ लगाना। तो गांठ जो है वो कितने प्रकार से लगा सकते हैं, तो ऊपर आपके तीन टाइप हैं, तो ऊर्ध लगाओ, अधो लगाओ या ऑब्लिक लगाओ यानी कि त्रियक लगाओ। तो जैसे कि अपन सेफ्टी पिन का अगर यूज़ करते हैं मॉडर्न में, तो उस टाइम उसको क्या बोला जाता था, यंत्रणा बोला जाता था। और इसके क्या है मेनली तीन टाइप थे, ऊर्ध अध और तिरियक। ये भी पूछा जा सकता है कि सुश्रुत ने यंत्रणा के कितने टाइप्स बताए हैं, तो थ्री टाइप्स यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, विकेशिका, विकेशिका का मतलब है अपन कुछ औषध लगा करके ही तो अपन बैंडेजिंग बांधेंगे, तो वो औषध क्या कहलाती है आपका, विकेशिका कहलाती है। तो विकेशिका की औषध कैसी होनी चाहिए उसके बारे में आचार्य सुश्रुत यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखो औसत जो है वो बहुत ज़्यादा स्निग्ध नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा विषम भी नहीं होना चाहिए। और इसमें रीज़न ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्निग्ध ले लोगे तो वो क्या करता है, क्ले डांस को बढ़ा देती है व्रण के अंदर, तो वो आपको नहीं लेना है। और बहुत ज़्यादा रुक्ष नहीं लेना है, अगर रुक्ष ले लोगे तो वो क्या करेंगी, बहुत ज़्यादा छेदन कर देगी, स्क्रैचिंग कर देगी, तो वहाँ पर आपका छेदन हो जाएगा। और अगर आपने अच्छी तरीके से जो विकेशिका है उसको पर्टिकुलरली जो है व्रण के ऊपर नहीं लगाया है, ऊपर नीचे रख दिया है, दूर न्यास कर दिया है, उसके पर्टिकुलरली प्लेस पे नहीं रखा है, विषम स्थान पे रख दिया है, तो क्या होगा वहाँ पे, घर्षण होगा वहाँ पे, घर्षण के कारण उस व्रण पे और अत्यधिक पेन और ब्लीडिंग की संभावना रहती है। तो ये तीन चीज़ें हैं जिसमें आपको विकेशिका का ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आता है आपका अति विकेश विकेशनिका से क्या होता है, तो क्लेद उत्पन्न कर देते हैं, रुक्षता से क्या होता है, छेदन होती है, तो न्यास अगर अलग जगह पे रख देगा तो क्या होगा, घर्षण होगा। ये क्लियर हो गया विकेशिका और यंत्रणा का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज की ओर अपन आते हैं। व्रण जो है उसके आयतन विशेष यहाँ पे बता रखे हैं। तो व्रण के आयतनों की विशेषता मतलब स्थान दोष और काल के अनुसार जो बंध, मतलब ये जो बंधन है ना उसके तीन प्रकार बताए गए हैं। अब देखो बंधन के जो प्रकार हैं 14 हमने पहले ही पढ़ लिए हैं, लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि व्रण के आयतनों के बेसिस पे बंधन कितना प्रकार का होता है, तो वो आपका तीन प्रकार का होता है, गाढ़, सम और शिथिल। ठीक है, तो ये आपको वापस से ध्यान रखना है कि व्रण के आयतन विशेष के आधार पर अगर बंधन के टाइप्स पूछे जाते हैं तो वो तीन प्रकार के होते हैं, और नॉर्मली अगर पूछा जाए तो अपन 14 आंसर करेंगे। अब गाढ़, सम, शिथिल कौन सा बंधन होता है उसको देख लीजिए। पीड़ियन ना रुचा, मतलब किसी प्रकार की पीड़ा नहीं करे वो गाढ़, मतलब बहुत अच्छे से बांधा गया है, जो बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, बहुत ढीला भी नहीं है, तो वो गाढ़ बंधन हो गया। ऐसा बंधन जो रोगी के श्वास लेने से हिल जाए वो शिथिल बंधन कहलाता है। सो उच्छ्वास शिथिला, ठीक है, न गाढ़ है न शिथिल है, तो ऐसा बंध सम कहलाता है। तो ये गाढ़, शिथिल और सम समझ में आ गया। अब देखो कहाँ पे कौन सा बंध बांधा जाएगा, तो क्लियर है कि इसकी कक्षा कुक्षी, वंक्षण, उरु और शीर, ये थोड़े से ऐसे ऑर्गन हैं जहाँ पे मूवमेंट थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं, तो इन ऑर्गन पे हमेशा जो है गाढ़ बंध बांधा जाएगा, ताकि जो विकेशिका की जो औषध है वो चिपकी रहे। कौन से बॉडी के ऐसे पार्ट है जहाँ पे जो है ज़्यादा मूवमेंट होते हैं, तो स्पिग्ध, कक्षा कुक्षी, वंक्षण, उरु और शीर, मतलब मूवमेंट इतना भी नहीं होता है, मतलब थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा मूवमेंट तो आपका संधियों में होगा, अक्षियों में होगा, वहाँ पे तो अपन हल्का सा बंध बांध के छोड़ देंगे,
क्योंकि वो तो मूवमेंट करेंगे, वो तो रुक ही नहीं सकती हैं वो चीज़ें। तो अगर आप उसमें क्या है, अगर आप रोक दोगे तो उसे देखोगे कैसे, तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, शिथिल बंधन बांधते हैं। लेकिन उससे अगर अपन कंपेयर करें तो लेस मूवमेंट होता है आपका, ये जो आपकी चीज़ है ठीक है, स्पिति जो आपके जो प्रदेश है उसमें ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका क्या है जो गांड बंधन है वो यहाँ पे आपका बांधा जाता है ठीक है। फिर शाखा में, वदन में, कर्ण, कंठ, मेड्र, मुष्क में, पृष्ठ में, पार्श्व तथा उदर, इन सब पे क्या है आपका सम जो बंधन है वो मिलने बांधा जाता है। आप केवल ये याद रखो कि अक्षी में और आपका उदर में, ये सबसे ज़्यादा जो है मूवमेंट के पार्ट है, तो यहाँ पे सबसे शिथिल बंध बांधा जाएगा। और इसकी छोटी सी लाइन याद रख लो कि स्पिक कक्षा कुक्षी वंक्षण सिरा सुघाड़ा। तो अगर आप इसे नहीं भी याद रख सकते हो, ऐसे याद रखना है कि जिसमें आधा का आ रहा है उसमें अपन गाढ़ बंधन बांधेंगे, और उरु और शीर इसको अलग से याद रख लो। जैसे कि आपका स्पीक में आधा का है कि ठीक है, कुक्षी है, वंक्षण है, इसमें क्या है आपका आधा का लग रहा है ना, और उरु और शीर ये याद रख लो, तो इसमें गाढ़ बंधन बांधा जाता है। शिथिल को आपको ऐसे ही याद करा दिया है ठीक है, और तो इन दोनों में नहीं जाएगा, वो आपका क्या है सम में चला जाएगा। तो गाढ़, सम, शिथिल ये किसके विशेष के टाइप हो गए, तो आपके आयतन के विशेष के आधार पर आपके बंधन के टाइप हो गए ठीक है, क्लियर। तो देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आते हैं। तो यहाँ पे देखो, वात, पित्त, कफ, इनके आधार पे आप क्या मानक लोगे। अगर आपको पैतृक में व्रण आपको दिखाई दे रहा है कि जो व्रण है वो आपका पैतृक है, तो जहाँ पे आपको गांड बंधन बांधना चाहिए वहाँ पे आप सम बंधन बांधिए। मतलब गांड के स्थान पे जो पहले बता रखा है कि इधर गांड बंध बांधना है, उसके स्थान पे आप वहाँ पे सम बंधन बांध दीजिए, सम के स्थान पे शिथिल बांध दीजिए, और शिथिल के स्थान पे बंधन ही मत कीजिए। तो मतलब अपने को ऐसा चल रहे हैं कि गाढ़ के बाद में अपने लूज करते जाना है ठीक है, लूज नहीं करते जाना है, गाढ़ के बाद में अपन सम पे आ जाएंगे, सम के स्थान पे अपन शिथिल बंध बांध देंगे, और जहाँ पे आपका शिथिल जो बंध है वो बनाने के लिए, बंध बांधने के लिए बोला गया, और वहाँ पे आपका पित्त व्रण है तो वहाँ पे अपन बंध ही नहीं बांधेंगे। और अगर आप लोगों को इस तरीके का जो स्टेज है वो आपका श्लेष्मिक में मिल जाए या वात दुष्टि में मिल जाए तो उल्टा चल लो ठीक है। मतलब शिथिल के स्थान पे आप जो है सम बंध बांध दो, सम के स्थान पे आप गाढ़ बंध बांध सकते हो, और गाढ़ के स्थान पे अपन गाढ़तम जो बंध है वो बांध सकते हैं और टाइट ठीक है। तो इधर तो अपने को जाना है पित्त के केस में, और उल्टा आना है अपने को कफ के केस में। पित्त केस में अगर ज़्यादा बैंडेजिंग किया जाए ठीक है, तो अधिकुष्णता हो जाएगा और पाक को प्राप्त हो जाएगा, इस वजह से अपन लूजनिंग की तरफ बढ़ते हैं ठीक है, ये लॉजिक है इसके पीछे। अब अपन आते हैं कि पैतृक में, शरद ऋतु में, ग्रीष्म में, दिन में 2 बार द्वि रहो, मतलब दिन में 2 बार सुबह शाम बंधन बांधना चाहिए। मतलब जहाँ पे भी आपका उष्णता है वहाँ पे सारी कंडीशन में आपको दिन में 2 बार बंधन बांधना चाहिए, साथ ही साथ इसमें रक्त को भी इंक्लूड कर लीजिए। और इसके अलावा जो श्लेष्मिक है, हेमंत है, वसंत है, तो इनमें क्या है 3 दिन में जो है व्रण का जो बंधन है वो आपको बांधना चाहिए। मतलब जो बंध है उसको, जो बंधन है 3 दिन में वो खोलना चाहिए, ये यहाँ पे बता रखा है। ये जो है अपना डेज के हिसाब से, उष्णता के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से यहाँ पे बता दिया कि कितने देश के अंतराल पे आपको व्रण बंधन करना चाहिए ठीक है। इसके बाद में आगे लिखते हैं कि सम शिथिल स्थानेषु गाढ़ बंधे, तो आपको जहाँ पे जिस स्थान के लिए सम एंड शिथिल जो बंधन है उसके बांधने का इंडिकेशन किया गया है वहाँ पे वही बंधन बांधना चाहिए। अगर आपने गलती से गाढ़ बंधन बांध दिया, तो गाढ़ बंध बांध दिया मतलब टाइट कर दिया, तो विकेशिका की जो औषधि है वो क्या है आपका बाहर निकल जाती है साइड से टाइट बैंडेजिंग के कारण। तो विकेशिका औषध निरर्थरम भवति, मतलब जो विकेशिका की जो औषधि है वो निरर्थक हो जाती है। तो ये साथ ही साथ ये अंदर की ओर जा रही है ना, बहुत टाइट बांध दिया, तो ये जो है साथ ही साथ शोफ और वेदना का प्रादुर्भाव उत्पन्न करती है। तो अगर आपने सम और शिथिल के स्थान पे गाढ़ बंधन बांध दिया तो विकेशिका की औषध निरर्थक हो जाती है, और साथ ही साथ में शोथ वेदना का प्रादुर्भाव होता है। और अगर आपने गाढ़ और सम के स्थान पर बहुत ढीला बंधन बांध दिया, तो ढीला बंधन बांध दिया तो ये तो पकड़ेगा ही नहीं इसको, तो औषध जो है वो बिल्कुल नीचे गिर जाएगी, पतन हो जाएगा औषध का। तो गाढ़ और सम के स्थान पे अगर आप शिथिल बांध देते हो तो औषध जो है वो नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर के उसका पतन हो जाता है ठीक है। अब क्या है, जो औषध है वो नीचे गिर गई तो क्या करेगी, जो पट्टी है वो बस रहेगी तो वो क्या कर देगी, घर्षण कर देगी, वहां पे क्या हो जाएगा व्रण में वत्म का अवघर्षण हो जाएगा ठीक है। और गाढ़ और शिथिल जहाँ पे बंधन बांधना चाहिए वहाँ पे आपने अगर सम बंधन बांध दिया तो कोई गुण ही नहीं आ पाएगा, तो गुण का अभाव हो जाता है। अब इसमें आपको याद ये रखना है कि जहाँ पे गाढ़ बांध दिया सम शिथिल के स्थान पे, तो औषध क्या है, प्रेशर डालती हुई पट्टी, शोफ वेदना,
का प्रादुर्भाव करती है, औषध निरर्थक हो जाती है, शिथिल बंधन बांध दिया तो पतन कर जाती है और अपघर्षण हो जाता है, सम बांध दिया तो गुण का अभाव हो जाता है। तो ये जो है डायरेक्ट कोटेशन से आता है, इसलिए इसको ध्यान रखना। इसके बाद में नेक्स्ट पेज की ओर अपन आते हैं। तो अबंध्य स्थान यहाँ पे देखो आपका बता रखे हैं कौन से ऐसे कंडीशन है जिस पे आपको बंधन नहीं बांधना है। तो सारी उष्णता वाली जो चीज़ें हैं उसके अंतर्गत हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत हैं, जैसे कि पित्त है, रक्त है, अभिघात है, विष निमित्त है, शोत है, दह है, पाक है, राग है, वेदना है, क्षार अग्नि से दग्ध व्रणों में कभी भी प्रशिन्न मांस यानी कि मांस कट कट के गिर रहा हो, इसमें कह कभी भी बंधन नहीं बांधना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुष्ठ में बंधन का निषेध बताया गया है, अग्निदग्ध में, मधुमेह में बहुत इंपॉर्टेंट है, गैंग्रीन बन जाएगा, मधुमेह में जो है बंधन नहीं बांधना चाहिए। कड़ीका उंद्रु विष में, चूहे के काटने से जो विष फैला हुआ होता है उसमें बंधन नहीं बांधना चाहिए। मांस का अगर पाक हो रहा है तो वो तो पाक हो रहा है, तो अपनी इसमें अपनी बुद्धि से ही वहाँ पे बंधन नहीं बांधना चाहिए। ये सब क्या है, आपके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कंडीशन है जहाँ पे आपको बंधन नहीं बांधना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज की ओर अपन आते हैं। तो यहाँ पे देखो वो यंत्रणा जो है, जो गांठ बांधने की विधियाँ थी वो तीन प्रकार की थी, ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक। तो ये चीज़ यहाँ पर वापस से प्लॉट कर दिया गया है, एक बार वापस मैंने बता दिया आपको। फिर विकेशिका की जो औषध थी, अति स्निग्ध नहीं लेना चाहिए, फिर वापस से बता रहा हूँ कि क्लेद कर देती है, वृक्ष लेते हैं तो वो क्षीण हो जाती है। फिर साथ ही साथ में युक्त जो औषधि है, अगर उसका आप प्रयोग करते हो तो ये बताया गया है कि वो रोपण करती है, लेकिन अगर आपने उसको क्या है दुर्न्यास कर दिया, दुर्न्यास जो है वापस आ गया कि वो क्या करेगा व्रण में घर्षण कर देगी और विषम होकर के वो ब्लीडिंग भी एक्स्ट्रा जो है क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके बताया है कि अति स्नेह डाल दिया तो क्लेद हो जाएगा, वृक्ष डाल दिया तो क्षीण कर देगी वो, युक्त स्नेह है तो रोपण करने वाली होती है, दुर्न्यास है तो घर्षण करती है, बहुत ज़्यादा अगर बांध दिया तो वो ब्लीडिंग को भी यानी कि रूजा को भी बढ़ाने वाली होती है। अब नेक्स्ट देखिए, पित्तज, रक्तज, इस तरीके के जो अवस्थाएं होती हैं उसमें अपने को अगर पस जब निकालना है ना, कोई भी कार्बंकल या फिर जो भी चीज़ है जो आपके पित्त और रक्त के कारण उत्पन्न है ना, तो उसमें अपने को सिर्फ वन टाइम प्रेशर लगाकर जो पस है उसको बाहर निकालना है, ठीक है, सिर्फ वन टाइम में यानी कि एक ही बार में, क्योंकि अगर आपने उसको ज़्यादा कर दिया तो पहले पाक की अवस्था है तो इन्फेक्शन जो है वो उसके मेनली जो है फैलने के चांसेस होंगे। तो इसमें आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि पित्त और रक्त में सिर्फ एक टाइम में ही आपको पस को जो है वो बाहर निकालना है, नहीं तो क्या है कि ब्लड जो है वो ज़्यादा आ सकता है, ये भी संभावना हो सकती है दूसरी बार निकाल दिया तो। और कफ में और जो वात के केसेस में आप मल्टीपल अटेम्प्ट कर सकते हो पूय को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्लियर। देन नेक्स्ट पेज को और अपन आते हैं। इसके बाद हमेशा ये ध्यान रखना कि स्त्राव कैसे निकाला जाता है, हमेशा अनुलोम दिशा में निकाला जाता है, तो ये तो क्लियर है, वरना आपका नाड़ी बन जाएगी। तो स्त्राव में जब भी पीड़न करना है तो वो हमेशा अनुलोम दिशा में अपने को करना है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट, बंधन के योग्य, तो मैंने आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन बता दिया कहाँ कहाँ पे नहीं करना है, ये हमने देख लिया। अब बंधन किस में बांधना चाहिए, तो देखो जो आपके मांस स्थित व्रण होते हैं, त्वकगत जो व्रण होते हैं, है ना, संधि अस्थि कोष्ठ के प्राप्त वर्ण जो व्रण होते हैं, साथ ही साथ में शिरा स्नायुगत जो व्रण होते हैं, वो क्या है आपके बंधन के योग्य होते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कौन से हैं, बंधन के योग्य कौन से हैं, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या है ऐसे क्वेश्चन दे देंगे कि फोर में से एक आउट करो कि कौन सा बंधन के योग्य है, या दोनों का जो है मिलान करो कौन सा बंधन योग्य है कौन सा अयोग्य है, तो दोनों चीज़ें माइंड में रखनी है यहाँ से। तो इसी के साथ साथ ये जो व्रण आलेप बंधन विधि अध्याय है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो आपका रीजनिंग के भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ये जो आपका चैप्टर है वो आपका सैद्धांतिक पक्ष के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। के सामने मैं एक क्वेश्चन प्लॉट कर रहा हूँ कि जो आपका प्रलेप, प्रदेह और आलेप के लिए मैंने बताया है ना, तो प्रलेप क्या है, आपका तनु होता है, ये कथन सत्य है कि असत्य है, ये आप लोग बताइए। आपने श्लोक पढ़ा है ना, सीता से तनुष्य शोषी विशोषी च, तो सत्य है, ये ट्रू कथन है। अब देखो प्रदेह जो है वो शीत और उष्ण होते हैं, तो ये सत्य है कि असत्य है, ये आप लोग अब चैट बॉक्स में बताओ मेरे को, जल्दी बताओ जल्दी, ठीक है। आप लोग के आंसर में चेक कर रहा हूँ, ये सत्य है कि असत्य है कि प्रदेह शीत होता है कि उष्ण होता है, जल्दी चैट बॉक्स में आप सब भी लोग बताओ। अगर लेक्चर आप लोग वाकई में अगर ले रहे हो तो जल्दी बताओ मेरे को, लाइव चैट बॉक्स में बताओ।
तो मैंने अभी पढ़ाया था ना उष्णम सीता वा, तो ये भी जो कथन है वो आपका सत्य है, ठीक है, सही है आंसर आप लोगों का। प्रलेप जो होता है वो उष्ण होता है, ये कथन कौन सा है, सत्य है कि असत्य है, बताओ ट्रू है कि फॉल्स है। प्रलेप जो है वो उष्ण होता है, इसको भी लाइव चैट बॉक्स में आप लोग बताओ। चलो जल्दी बताओ जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी, सब आंसर ही नहीं आ रहा है आप लोगों के ढंग से, जल्दी बताओ। ये नहीं, ये जो है आपका फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि प्रलेप में क्या है, उष्ण वा वाली जो लाइन है वो तो आपका आया ही नहीं था, इस वजह से ये जो है आपका फॉल्स है, ठीक है। इस वजह से इसका मैंने थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दिया, तो ये सैद्धांतिक पक्ष पे मैंने जो है थोड़ा फोकस करा दिया आप लोगों का। फिर एक और क्वेश्चन का जवाब दो मेरे को कि प्रदेह का जो प्रयोग है वो वात कफज जो रोग है उसमें करते हैं, जल्दी बताओ प्रदेह का प्रयोग किस में करते हैं, वात कफज रोगों में करते हैं, बिल्कुल ट्रू है, सही है, ठीक है। तो ये जो है आपका, इस प्रकार से आपको याद रखना है, क्योंकि रीजनिंग के जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर ऐसे टाइप से आपके बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो लेक्चर है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे अपन देखेंगे, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।